विद्या भारती ऑनलाइन क्लासेस मुजफ्फरनगर में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 8, टॉपिक एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण क्या होता है? विशेषण, इससे पहले मैंने आपको नाउन और प्रोनाउन समझाया था। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, ये जो है इससे पहले आप समझ चुके हैं नाउन और प्रोनाउन को। तो सबसे पहले मैं एक बार आपको रिपीट करा देता हूँ, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। वैसे तो आपने पढ़ लिया है, आप जानते हैं। नाउन जो होता है संज्ञा, किसी वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। और प्रोनाउन जो होता है वो सर्वनाम, यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। संज्ञा के स्थान पर ही हम प्रयोग करते हैं। अब जैसे इस डेफिनेशन लेते हैं, सबसे पहले एडजेक्टिव। डेफिनेशन एडजेक्टिव की क्या है? विशेषण। डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले, एडजेक्टिव की हमें आवश्यकता क्यों होती है, एडजेक्टिव जो है क्या काम करता है। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड, एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है, एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। और नाउन और प्रोनाउन जो है हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नाउन किसी वस्तु, स्थान, प्राणी का नाम, और उसी के स्थान पर जो है प्रोनाउन लगा देते हैं। जैसे राम एक अध्यापक है, नाउन हो गया, राम नाउन हो गया। और अगर इसके स्थान पर ही इज ए टीचर ही कह दिया, नाम नहीं लिया, तो हम क्या कहेंगे, ही प्रोनाउन हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, राम इज ए गुड टीचर, हमने क्या किया, राम इज ए गुड टीचर, राम इज ए गुड टीचर। तो राम एक, अगर हम ये कहें, देखो यहाँ देख लीजिए ध्यान से, राम इज ए गुड टीचर, राम एक अच्छा टीचर है। अगर मैं इसको यहाँ से इसको हटा दूँ और कहूँ राम इज ए टीचर, राम एक अध्यापक है, तो राम तो नाउन है, तो राम एक अध्यापक है, बस सेंटेंस कंप्लीट हो गया। लेकिन हमने जो है टीचर की क्वालिटी बताई, राम की क्वालिटी बता दी, टीचर कैसे, टीचर गुड टीचर, राम एक अच्छे टीचर हैं। तो हमारा जो गुड है ना, गुड, गुड क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया। गुड जो है, यानी यू ये बताया कि एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन, तो क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को। ये देखते हैं कि राम एक अच्छा टीचर है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, एग्जांपल से, ही हैज़ टू सन्स, उसके दो बेटे हैं। ही हैज़ टू सन्स, तो उसके दो बेटे हैं, तो ही हमारा क्या है, नाउन के स्थान पर प्रयोग हो रहा, तो ही प्रोनाउन हो गया। ही हैज़ टू सन्स, उसके दो बेटे हैं, तो सन्स टू एडजेक्टिव हो गया। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, दे सा ए ब्लैक कैट, उन्होंने एक ब्लैक कैट को देखा, काली बिल्ली को देखा, ब्लैक कैट। तो हमारा जो है यहाँ पे देख लीजिए, ये तो प्रोनाउन हो गया दे, आप जानते हैं पहले पढ़ा हुआ है। तो दे सा ए ब्लैक कैट, उन्होंने ब्लैक कैट को देखा। तो ब्लैक क्या है, सेंटेंस में जो ब्लैक लगाया है वो नाउन की विशेषता बताता है या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो उन्होंने देखा कैट, कैट बहुत सारी होती हैं, लेकिन कैट ब्लैक, ब्लैक काली बिल्ली को देखा, तो ये हमारा क्या हो गया, ब्लैक एडजेक्टिव हो गया। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास, ग्लास जो है, ग्लास, देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास, ग्लास में कुछ पानी है, थोड़ा पानी है ग्लास में, तो लिटिल वाटर है। तो यहाँ पे जो है लिटिल जो है हमारा ना, लिटिल, लिटिल हमारा जो है एडजेक्टिव हो गया। तो ये सेंटेंस के माध्यम से हम देख रहे हैं कि नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहा है, क्वालिफाइज कर रहा है, तो हमारा जो है एडजेक्टिव होता है जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, क्वालिफाइज करता है। देखो जैसे यू आर ए क्लेवर बॉय, तुम चालाक लड़के हो, तो यहाँ पे जो है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता, तुम चालाक लड़के हो, तुम लड़के हो, यू आर ए क्लेवर बॉय, तो यहाँ पे जो है बॉय कैसा, बॉय
क्लेवर बॉय, तो ये क्लेवर बॉय है, ये जो है हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव जो है क्लेवर है। तो अब हम समझ रहे हैं कि जो है एडजेक्टिव किसे कहते हैं, एडजेक्टिव की क्यों आवश्यकता होती है, अर्थात नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताना। जैसे वे बुद्धिमान हैं, दे आर इंटेलिजेंट, तो दे आर इंटेलिजेंट तो उनकी क्वालिटी क्या है, इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है। इसके बाद जो है जैसे मैं बताता हूँ, आई एम ए टीचर, मैं टीचर हूँ, तो आई मीन्स मैं, क्वालिटी क्या है, आई एम ए गुड टीचर, तो मैं अच्छा अध्यापक हूँ, तो टीचर की क्वालिटी मैंने ही बता दी, गुड। इसके बाद जो है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के प्रकार, कैसे प्रकार एडजेक्टिव के, देख लीजिए कितने प्रकार होते हैं, नंबर वन पे चलते हैं। यहाँ पे देखो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, अब देखो नंबर वन एडजेक्टिव के हमारे, हमने एडजेक्टिव देख लिए, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, किस प्रकार से हम एडजेक्टिव को पहचानते हैं, ये हमने अभी सीख लिया। अब इसमें एडजेक्टिव के काइंड्स देखते हैं कि एडजेक्टिव के काइंड्स, कितने काइंड्स होते हैं एडजेक्टिव के। सबसे पहला जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, अब क्वालिटी गुणवाचक विशेषण, सबसे पहले देखो गुणवाचक विशेषण, क्वालिटी एडजेक्टिव की, विशेषण की क्वालिटी, सबसे पहले देखें जो विशेषण किसी, जो शब्द, विशेषण शब्द जो होता है किसी वस्तु अथवा किसी व्यक्ति का गुण अवगुण का ज्ञान कराता है, गुण अवगुण का ज्ञान कराता है, गुण दोष के बारे में बताता है, जो शब्द, अर्थात नाउन की क्वालिटी बताएगा या प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगा, तो जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है, गुण दोष को बताता है, गुण अवगुण को बताता है, तो उसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी उसको हम कहते हैं। इसको भी जो है हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण नंबर वन है ही इज ए वाइज बॉय, ही इज ए वाइज बॉय, वह बुद्धिमान लड़का है, वह वाइज है, बुद्धिमान है। तो यहाँ पर जो वाइज लिखा है मैंने, वाइज, ये वाइज हमारा क्या है, ये वाइज हमारा एडजेक्टिव है। ही इज ए वाइज बॉय, वह लड़का, बॉय लड़का, लड़का कैसा, वाइज बुद्धिमान, तो क्वालिटी बता रहा है लड़के की कि जो है लड़का बुद्धिमान है, तो वाइज हमारा एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, ही लिव्स इन एन ओल्ड हाउस, वह पुराने मकान में रहता है, वह पुराने मकान में रहता है, तो ही लिव्स, वह रहता है इन एन ओल्ड हाउस, पुराने मकान में। अब हाउस घर, क्वालिटी कैसी है घर की, ओल्ड हाउस है, ओल्ड हाउस है, तो ओल्ड हाउस पुराना घर, तो वह पुराने घर में रहता है, तो ओल्ड हमारा क्या हो गया, ओल्ड हमारा एडजेक्टिव हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इट इज ए हॉट डे, गर्म दिन है आज, इट इज ए हॉट डे, तो हॉट हमारा, हॉट, ये हॉट क्या है हमारा, हॉट जो है डे मींस दिन, इट इज ए हॉट डे, दिन है, तो दिन क्वालिटी बता दी, हॉट डे, बहुत गर्म दिन है, गर्म है दिन, इट इज ए हॉट डे, तो दिन गर्म है, तो हॉट क्या हो गया हमारा, हॉट हमारा हो गया एडजेक्टिव। तो हम जो है एडजेक्टिव की क्वालिटी पहचान रहे हैं, एडजेक्टिव किसे कहते हैं। राम इज ए टॉल बॉय, राम इज ए टॉल बॉय, तो राम कैसा लड़का है, लंबा लड़का है, तो टॉल, देख लिया हमने यहाँ पे, राम इज ए टॉल बॉय, तो यहाँ पे जो है राम लड़का, बॉय मीन्स लड़का, टॉल मीन्स लंबा, राम लंबा लड़का है, तो राम इज ए टॉल बॉय, तो टॉल हमारा क्या होगा, टॉल विज लंबा लड़का, टॉल ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, समझ गए। अब आप देखो ही इज एन ऑनेस्ट मैन, नेक्स्ट, वह ईमानदार आदमी है, तो ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट क्या है हमारा एडजेक्टिव है, ईमानदार, तो मैन, वह ईमानदार आदमी, अर्थात मैन की क्वालिटी क्या है, ऑनेस्ट है, तो ऑनेस्ट हमारा क्या है, ऑनेस्ट हमारा एडजेक्टिव है, ये हमने देख लिया।
अब जो है ऑनेस्ट हम पहचान गए कि ऑनेस्ट मैन की क्वालिटी क्या है, ऑनेस्ट है, आदमी ईमानदार है। अब इससे हमें जो है गुण अवगुण का पता चल गया, अर्थात एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है वो गुण बताता है, गुण दोष का ज्ञान हमें कराता है, ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट नंबर देखते हैं एडजेक्टिव का, वो होता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी कहते हैं मात्रा, जो शब्द किसी वस्तु की मात्रा नाप तोल बताता है वो क्वांटिटी कितनी है, तो वो एडजेक्टिव हमारा बताता है। ये हो गया हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो शब्द किसी वस्तु की कितना है, मात्रा कितनी है, नाप तोल जो बताते हैं शब्द, वे हमारे एडजेक्टिव होते हैं और क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव में आते हैं। इसके बाद उसको भी हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। एग्जांपल उदाहरण देखिए, उदाहरण है नंबर वन, यू एट सम राइस, तुमने कुछ चावल खाए, तुमने कुछ चावल खाए। अब जो है आप देख लीजिए, तुमने कुछ चावल खाए, सम राइस, तो सम जो है क्या है हमारा, क्या है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स वस्तु की मात्रा बताओ, गुण बताओ, नाप बताओ, तो ये हो गए हमारे क्वांटिटी। तो यहाँ पे सम क्या है, कुछ राइस चावल, तो सम मीन्स एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, सम जो है एडजेक्टिव है हमारा, कुछ चावल खाए। नेक्स्ट देखिए, देयर इज एनफ वाटर इन द बकेट, देयर इज एनफ वाटर, एनफ वाटर, पानी जो है बाल्टी में पर्याप्त है, तो यहाँ पे जो है मात्रा बता रहा है, पानी पर्याप्त है, तो एनफ वाटर, पर्याप्त पानी, बकेट मीन्स बाल्टी, बाल्टी में पर्याप्त पानी है, तो एनफ हमारा क्या है, एनफ हमारा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी ये भी जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, पानी पर्याप्त है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ही शोड मच करेज, उसने अधिक साहस दिखाया, ज़्यादा साहस दिखाया, तो करेज मीन्स साहस और मच मीन्स ज़्यादा, क्वांटिटी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, उन्होंने जो है ही शोड मच करेज, उसने अधिक साहस दिखाया, ज़्यादा साहस दिखाया, तो मच मच हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मच हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है नंबर थ्री, नंबर थ्री है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर देखते हैं किसे कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो शब्द किसी नाउन और प्रोनाउन की संख्या बताते हैं, नंबर में संख्या, जो विशेषण वो होते हैं जो शब्द मतलब नाउन और प्रोनाउन की संख्या बताएंगे कि, अब देखिए संख्या कैसे बताते हैं, संख्या नाउन और प्रोनाउन की, एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो यहाँ से, नंबर वन, देयर आर सेवन डेज इन ए वीक, देयर आर सेवन डेज इन ए वीक, एक सेवन डेज होते हैं एक सप्ताह में, एक सप्ताह में सात दिन होते हैं, तो सेवन आ गया, नंबर आ गया, तो संख्या आ गई, तो ये जो है संख्या तो बताते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तो सात दिन एक सप्ताह में होते हैं, एक सप्ताह में सात दिन होते हैं, तो ये हमारा जो है सेवन क्या है हमारा, नंबर ऑफ एडजेक्टिव है। नेक्स्ट सेंटेंस, संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, संडे, संडे जो है हमारा पहला दिन होता है वीक का, सप्ताह का, तो हमारा जो है संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, संडे जो है हमारा फर्स्ट डे है किसका, वीक का, सप्ताह का पहला दिन है, तो फर्स्ट, फर्स्ट हमारा नंबर ऑफ एडजेक्टिव है। तो अब हम समझ रहे हैं कि जो संख्या वाले होते हैं, नंबर वाले एडजेक्टिव होते हैं, उनको नंबर ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। इसके बाद ये है नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द हैंड हैज फाइव फिंगर्स, हाथ में पांच उंगलियां होती हैं, तो फाइव, फाइव मीन्स पांच, तो पांच उंगलियां होती हैं, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमारा ये हो गया।
नंबर जो है ये आपने नंबर ऑफ एडजेक्टिव देख लिए। नेक्स्ट है हमारा नंबर 4 डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव वे होते हैं हमारे, डेमोंस्ट्रेटिव दिखाना, प्रदर्शन करना, शो करना, एडजेक्टिव डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब देख लीजिए, समझते हैं इसको। जो एडजेक्टिव किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करते हैं, जो एडजेक्टिव किसी वस्तु या स्थान की ओर संकेत करते हैं वो डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। अब देख लीजिए डेमोंस्ट्रेटिव कैसे, शो करना। जैसे एग्जांपल, दिस बुक इज माइन, यह है पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक। तो दिस क्या है हमारा, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दिस बुक इज माइन। दैट बॉय इज डल, ये लड़का, वह लड़का डल है थोड़ा। दैट बॉय इज डल। नेक्स्ट, दीज स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, ये स्टूडेंट्स जो हैं इंटेलिजेंट हैं, बुद्धिमान हैं। ये स्टूडेंट्स क्या हैं हमारे, इंटेलिजेंट हैं। नंबर 4 है दोज स्टूडेंट्स आर डिलीजेंट, ये वे स्टूडेंट्स हमारे क्या हैं, डिलीजेंट मीन्स परिश्रमी हैं, वो स्टूडेंट्स परिश्रमी हैं। अब देखते हैं इसको जो है एक बार और समझ लेते हैं। डेमोंस्ट्रेटिव को हम बताते हैं डेमोंस्ट्रेटिव में कि ये, जैसे अब देखो, दिस बुक इज माइन डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दिस बुक, यह पुस्तक मेरी है, ये बता दिया। दैट बॉय इज डल, ये लड़का डल है, वो लड़का डल है, दैट बॉय। इसके बाद है दीज स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, ये स्टूडेंट्स बुद्धिमान है। तो दीज हमारा क्या है, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। नंबर 4 दोज स्टूडेंट्स आर डिलीजेंट्स, ये वे स्टूडेंट्स, दोज मीन्स वे स्टूडेंट्स बताते हैं कि वे स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स, ये सारी जो बातें हैं डेमोंस्ट्रेटिव में आती हैं। ये हम जो है डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव देख रहे हैं। और जो है इसके बाद अगर मैं एक बात आपको और बता दूं कि दिस के बाद अगर हमारे जो है वो जो है डायरेक्ट वर्ब आ जाती है, तो दिस इज माई बुक, तो फिर ये हमारा जो है डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी इसको हम कहते हैं। लेकिन इसके बाद ये हमारा नाउन आया है, तो इसलिए हम इसको दिस बुक, ये हमारा जो है डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। अब हम देखते हैं नंबर 5 डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूट वितरण करना, अर्थात जो शब्द कौन से होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, जो शब्द किसी वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति अथवा वस्तु स्थान का बोध कराते हैं, वितरण बताते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाते हैं। जैसे देख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं, क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ईच बॉय विल गेट ए प्राइज, मतलब प्रत्येक लड़के को क्या मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, ईच बॉय। तो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूट है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव वितरण है। ईच बॉय विल गेट ए प्राइज। नेक्स्ट है एवरी मैन विल हैव टू वर्क, प्रत्येक आदमी को काम करना, एवरी मैन विल हैव टू वर्क, सभी को कार्य करना है, तो एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव है प्रत्येक। नेक्स्ट देखते हैं हम इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, प्रश्नवाचक एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होता है जब व्हाट, विच और हुज को नाउन के साथ प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाए। जैसे व्हाट, विच और हुज को नाउन के साथ प्रयुक्त किया जाए, कौन सा एडजेक्टिव होगा, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। पता चल रहा है शब्द से कि प्रश्नवाचक शब्द हैं, तो प्रश्नवाचक शब्द है नहीं, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होगा। देख लीजिए एग्जांपल इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, विच पेन इज योर्स, तुम्हारा पेन कौन सा है, विच पेन। तो विच क्या है हमारा, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, विच हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखो व्हाट बुक, व्हाट बुक विल यू रीड, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ोगे, व्हाट बुक, तो हमारा क्या है व्हाट, इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, व्हाट बुक विल यू रीड, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ोगे। नेक्स्ट है हुज बुक इज दिस, हुज बुक, ये देख लीजिए, हुज बुक इज दिस,
यह पुस्तक किसकी है? हूज। यह पुस्तक किसकी है? हूज बुक इज दिस। तो हमारा हूज क्या है? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। अब इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखो, हम देख लेते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव वो होते हैं, देख लीजिए ध्यान से, जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनते हैं। जैसे जो है प्रॉपर स्थान का नाम आता है, उनको प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जांपल, इंडियन पीपल आर ब्रेव। इंडियन पीपल, भारतीय लोग बहुत ईमानदार होते हैं। तो इंडियन क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो ये मैंने आपको एडजेक्टिव के काइंड्स बताए, आपने समझ लिए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है आपने समझ लिए होंगे, समझ आ गए होंगे। इसके बाद है, मैंने एडजेक्टिव की डेफिनेशन बताई, आपको समझाया ये सारा। तो आपको जो एडजेक्टिव के काइंड्स मैंने आपको पूरे समझा दिए हैं, आपको पूरे समझ आ गए होंगे। अब जो है मैं आपको एडजेक्टिव की डिग्री बता रहा हूँ। एडजेक्टिव की डिग्री भी होती हैं। एडजेक्टिव की डिग्री देखिए कौन सी होती हैं, ये यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा। डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन। अब एडजेक्टिव की तीन डिग्री होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री नंबर एक, कंपेरेटिव डिग्री नंबर दो, सुपरलेटिव डिग्री नंबर थ्री। पॉजिटिव डिग्री सबसे पहली अवस्था होती है, जो सबसे पहली जो हम गुण क्वालिटी जो हम बताते हैं वो हमारी सबसे पहली डिग्री होती है, उसको हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। जैसे, और जो कंपेरेटिव होती है तुलना, दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के बीच में कोई एक अच्छा हो उससे ज़्यादा, वो हमारा तुलना होती है, कंपेरेटिव डिग्री उसको कहते हैं। नंबर थ्री है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री वो होती है सभी में से एक बेस्ट, कोई जो सबसे अच्छा हो उसको हम सुपरलेटिव डिग्री में मानते हैं। अब देखिए एग्जांपल आपको मैं समझा रहा हूँ। एग्जांपल है हमारा सबसे पहले ग्रेट। ग्रेट मीन्स महान, तो पॉजिटिव डिग्री है हमारी ग्रेट। कंपेरेटिव हो जाएगी ग्रेटर, यानी महान, दो में से कोई एक ज़्यादा महान। ग्रेटेस्ट, सबसे महान, जितने हैं हम सब यहाँ उच्च जो है कोई सबसे महान, तो उसको क्या कहेंगे? ग्रेटेस्ट। और सबसे पहले लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स लंबा, लॉन्गर उससे भी अधिक, और जो है लॉन्गेस्ट सबसे लंबा। तो ये जो है पहली अवस्था होती है, ये दूसरी अवस्था होती है, और ये तीसरी अवस्था होती है, इसको सुपरलेटिव कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पे बिग, बिग मीन्स बड़ा, पॉजिटिव डिग्री है। उसके बाद अगर बिगर हम लिखेंगे, बिगर जो है वो सबसे बड़ा होगा, नहीं होगा सबसे बड़ा, बिग बिगर, यानी दो कोई एक हैं उनमें सबसे बड़ा क्या होगा? बिगर। और बिगेस्ट, बिगेस्ट होता है सबसे बड़ा, यानी जितने हैं उन सब में सबसे बड़ा वो बिगेस्ट होता है। इसके बाद है ओल्ड, ओल्ड मीन्स पुराना, ओल्डर, दो हैं दो में अधिक पुराना कौन है, वो हमारा ओल्डर होगा। ओल्डेस्ट, सबसे पुराना, सबसे पुराना अर्थात जितने हैं उन सभी में सबसे पुराना ओल्डेस्ट होता है। स्मॉल, स्मॉल मीन्स छोटा, स्मॉलर सबसे छोटा नहीं, ये छोटा है इससे बड़ा, इससे भी छोटा, ये दो में से सबसे कंपैरिजन करेंगे, ये छोटा है इनमें सबसे छोटा कौन है दो में, और ये स्मॉलेस्ट छोटे से भी छोटा, सबसे छोटा। इसके बाद है वाइज, बुद्धिमान, बुद्धिमान वाइज, वाइजर और ज़्यादा बुद्धिमान, और वाइजेस्ट सबसे अधिक बुद्धिमान, ये हो गए हमारे सुपरलेटिव डिग्री। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, जो है सुंदर, अधिक सुंदर, सबसे अधिक सुंदर, ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री हो गई। मैंने आपको डिग्री भी समझा दी है, उम्मीद है आपने समझ ली होंगी। अब मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ, आपको जो है डिग्री जो कंपैरिजन जो मैंने लिखा है इनको पढ़ना है, याद करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।